आका हर एमदी और हर मुसलमान की ख्वाहिश है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़ियारत हो जाए और उनकी सोबत में ख्वाब में कम से कम बैठने का मौका मिल जाए। इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए किस तरह दुआ मांगी जाए? देखें, ये जो ख्वाहिशें हैं ना इस किस्म की, ये सारी सच्ची बातें हैं। सोबत आपको मुयस्सर है, उससे फ़ायदा नहीं उठाते और ख्वाब देखना चाहते हैं। रसूल सल्लम की सोबत तो ज़िंदगी में हासिल होनी चाहिए सुन्नत के ज़रिए। अजीब लोगों ने मजाक बनाया हुआ है इस बात को। ख्वाब तो रसूल सल्लम के मतलब देखने वाले बाद ऐसे ऐसे अजीब गरीब लोग हैं जो ख्वाब बताएं तो दुश्मन लोग कहते हैं झूठा बदमाश, इसके पीछे पड़ जाओ। अभी पाकिस्तान में वाक़ हुआ है, ख्वाबों का क्या है? ख्वाबों में बाज लोग कह देते हैं जी हमें रसूल सल्लम आया, आपने फरमाया ये बात सच्ची है। दूसरा कहते हैं नहीं हमारे पास आए थे कहा था ये बात सच्ची है। ये क्या एतबार रहा? रसूल सल्लम की शक्ल किसी ने देखी नहीं असली, और रसूल सल्लम फरमाते हैं कि शैतान ख्वाब में भी मेरी शक्ल नहीं बना सकता, लेकिन दूसरे की शक्ल बनाकर तो झूठ बोल सकता है ना। इसलिए हमें क्या पता कि कौन आया है। जो हकीकत है वो ये है कि अगर कोई शख्स हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है तो सुन्नत पर अमल करे, वही सोबत है, उससे बेहतर सोबत मुयस्सर आ ही नहीं सकती। आप ख्वाब की बात कर रहे हैं, हजरत उवैस करनी ने क्या किया था? चेहरा देख सकते थे नहीं देखा सुन्नत की खातिर, इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लम इस बात को पसंद फरमाते थे कि माँ की खिदमत की जाए। ज़ियारत से महरूम मर गया इस बात से, और रसूलुल्लाह सल्लम ने उनको चुना अपने सलाम के लिए और फरमाया एक कर्न वहाँ यमन में हमारा एक भाई है जो मेरी ज़ियारत से सिर्फ मेरी सुन्नत की वजह से महरूम रहा है, इसलिए जाना और उसको मेरा सलाम कहना। सिर्फ दो आदमियों को रसूलुल्लाह सल्लम ने सलाम भिजवाया गायब में, एक हजरत उवैस करनी को और एक मसीह मऊद या महदी को जब वो जाहिर हो। इतना बड़ा मुकाम दिया उवैस करनी को। तो सुन्नत है असल चीज, उसकी पैरवी करें। ख्वाबों में आपको क्या पता कि क्या ख्वाब है, और ख्वाब के बाद कोई जमानत क्या है इस बात की कि आप उस पर उससे बरकत भी हासिल कर सकेंगे या नहीं। फरमाइए जी, अब आपकी बारी है डॉक्टर साहब।